थोड़ा इधर देखिएगा, इधर इधर देखिए, ठीक है सब। सबसे पहले मैं आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पे और भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आज हमारे परशुराम भगवान का जन्म उत्सव है और अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के तत्वाधान में और अम्बे माता के इस पावन प्रांगण में हम लोगों ने पूजन का कार्यक्रम रखा। सुंदर कांड एवं भजन का कार्यक्रम हमारे सांस्कृत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश त्रिपाठी जी के तत्वाधान में हो रहा है और बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि जब से हमारा यह संगठन का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने बहुत बड़े कार्यक्रम किए मीरा रोड में। उसके बाद यह कार्यक्रम अटेंडम तैयारी हुआ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में और हमारे महिला अध्यक्ष श्रीमती सुषमा मिश्रा जी और महासचिव श्रीमती रेणु दुबे जी, तमाम पदाधिकारी संतोष तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्गेश पांडे जी, संस्थापक महोदय लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी जी के सभी के सहमति से और इस पावन प्रांगण में कार्यक्रम करने का जो हम लोगों का विचार आया और उसका पूरा श्रेय मैं संजय शुक्ला जी को देता हूं और इनके पूरे टीम को और हमारे घनश्याम दुबे जी यहां के लोकल हैं और इस मंदिर के जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है और मैं चाहूँगा कि भगवान ऐसे ही हम सभी का टीम और हम सभी लोगों को बनाए रखें जिससे हम लोग हर वर्ष भगवान का जन्मोत्सव इसी ही धूमधाम से मनाएं। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है ये इतना अच्छी और इतना एक्टिव है कि हर मेंबर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाती है और संजय शुक्ला जैसे और मुकेश त्रिपाठी जैसे, हमारी अध्यक्षा मैडम आदरणीय सुषमा मिश्रा जी जैसे लोग इतना एक्टिव होकर के काम करते हैं कि यह कोई भी बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को बहुत छोटा लगता है। इसी शुभकामनाओं के साथ, बधाई के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय परशुराम। यह सबसे पहले सभी को परशुराम जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद द्वारा लगभग हर 6 महीने 8 महीने में कुछ न कुछ ऐसे आयोजन किए जाते हैं और आज तो हमारे पराक्रमी साहसी परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर आयोजन इस मलाड की धरती पर किया जा रहा है।
पूरे आयोजक मंडल को, संस्थापक महोदय जी को, सभी को हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। ये परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार है और ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है बड़ा सराहनीय है। ब्राह्मण एकता मंच एकता के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है आगे चल के। परशुराम जी के जो कार्य है, जो धरती पे उन्होंने पुरुषार्थ दिखाया है, उसके अनुसार जो है कोई भी कार्य करे तो आदमी प्रगति को प्राप्त कर सकता है। आज बहुत खुशी का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है और परशुराम भगवान का छठवां अवतार है। तो इस दिन जो है हम सभी ब्राह्मण और सभी देश के ब्राह्मण को मैं कहना चाहूँगा कि हर साल जब भी परशुराम जयंती आए, परशुराम जन्म उत्सव आए, तो सभी लोग अपने अपने घरों में एक दिया ही जला करके परशुराम भगवान की जयंती मनाएँ। इतना ही बहुत हो गया। हम लोग तो एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं परशुराम जयंती पर, लेकिन मैं सभी देश के सभी विप्र परिवार को और सभी ब्राह्मण से यह मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जन्म उत्सव आता है तो भगवान विष्णु का छठवां अवतार है। तो सभी देश के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी परशुराम का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए। जैसे अपने बेटों का भी जन्मदिन मनाते हैं लोग हर साल, तो ऐसे अगर हमारे परशुराम भगवान का विष्णु का अवतार है जन्मदिन मनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज उसी के माध्यम से उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमने यहाँ पे सुंदरकांड रखा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के नेतृत्वाधान यह कार्यक्रम हुआ है। टीम के सभी लोग मिल करके इसमें सहयोग किए हैं। हमारे संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी जी का सहयोग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश पांडे जी का सहयोग है और सभी टीम के सभी पदाधिकारी से मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, और सभी का सहयोग है। इसी बात को मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं और आपके टीम को भी धन्यवाद देता हूं। सभी को जय श्री परशुराम। और हमारे संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद की तरफ से सभी देशवासियों को भगवान श्री परशुराम परशुराम भगवान के जयंती पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बस भगवान ऐसे ही आशीर्वाद दें, सबको सद्बुद्धि दें, हम सब जुड़े रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह भगवान का जन्मोत्सव हर साल हम मनाते रहें। सबसे पहले मतलब अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों ने मिल के, ख़ास तौर से इसमें भाइयों का बहुत सहयोग है और बहन भी साथ साथ में लगी रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया हुआ है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे। हम मतलब उनके जिस तरह से उन्होंने मतलब अपने जीवन काल में, आज भी परशुराम जी हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हैं, अमर हैं वो। मतलब उन्होंने जो किया उसके उनके ही मार्गदर्शन पे चल के हम लोग बस आगे बढ़े, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ पे हम लोग के बीच में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे एक भव्य जो सुंदर कांड का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सभी पदाधिकारी जो हमारे बड़े भैया लोग हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे ब्राह्मण भाई जितने भी लोग हैं सब लोग आगे आएँ और भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो ये त्यौहार है, ये जो उत्साह है, इसको और तेज़ी से एक एक लोग बढ़ के आगे लें और हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद ऐसे आगे बढ़ते रहे और उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ तक हम लेके जाना चाहते हैं, उससे भी आगे जाए। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सनातन धर्म का की शुरुआत हो चुकी है,
सनातन धर्म में इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि आज यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ रखा। ये हर, वैसे तो मैं कहती हूँ कि हर मंगल और शनिवार को ये ऐसा प्रोग्राम हर मंदिर में होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। अब हम सबको एकजुट होकर के हमको कुछ न कुछ सनातन धर्म के बारे में आगे बढ़ते ही रहना है, और अगर हम अभी सो गए तो हम सोते ही रह जाएंगे। जय प्रभु।